हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। देश आज अपना 71वां संविधान दिवस मना रहा है। इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित बीजेपी और उसके अन्य दलों के सांसद मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में मारे गए शहीदों को नमन कर किया गया। 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस, जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में वैसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवी की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में संविधान निर्माताओं के पराक्रम को याद कर उन्हें नमन किया, साथ ही बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर कांग्रेस को पार्टी फॉर दी फैमिली, पार्टी बाय दी फैमिली कहा। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को गौरवान्वित करने वालों पर निशाना साधा और तमाम पार्टियों को भ्रष्टाचार का महिमा मंडल नहीं करने की सलाह दी। भ्रष्टाचार, क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे,